दोस्तों सिर्फ एक स्किल आपको जीरो से हीरो बना सकती है, और इस स्किल के बिना आप चाहे कितने भी 30 मार्क बन जाओ, आपकी पर्सनैलिटी जीरो ही रहेगी। और ये स्किल है बोलने का हुनर। आपको अपनी फैमिली या टीम को लीड करना है, आपको बोलना आना चाहिए। बिजनेस में नेगोशिएशन करनी है, भाई साहब बिना बोले काम नहीं चलेगा। लड़की पटानी है, बिना मुंह खोले नहीं हो पाएगा। वैसे बोलने की आर्ट को सीखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास ठीक ठाक कॉन्फिडेंस और पेलने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। वैसे तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम थॉमस शेल्बी से भीड़ को एड्रेस करना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Comrades, before we end this planning meeting and send you out into the rain, we have a surprise. He just arrived back from a trade mission to America. He came back early and he has insisted on addressing you volunteers in person. Comrades, your Labour representative for South Birmingham, Mr. Thomas Shelby, MP. इस एंकर ने थॉमस शेल्बी के लिए एक अच्छी भूमिका तैयार कर दी। अगर आपकी ऑडियंस को आपके और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता लग जाए, तो किसी अनजान स्पीकर की बजाय आपको ज्यादा गौर से सुना जाएगा। इसलिए आपको अपने किसी भी स्टेज इवेंट से पहले एंकर को अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवा देना चाहिए। भाई साहब इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, हर जगह ऐसा ही होता है। उल्टा इससे एंकर की स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प हो जाती है और आपके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म पहले से सेट हो जाता है। I bring with me, on the train from London, a message from Westminster. No, not a message. Not a message. An instruction, in fact. You must be silent. Tommy यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने अपनी स्पीच को पहले से स्ट्रक्चर कर रखा है। पहले वो इन सबको डराएगा, फिर अपने आप को इन सब के बीच खड़ा करके खुद को भी इन जैसा दिखाएगा। इसके बाद वो इनका मसीहा बनकर लीडरशिप अपने हाथ में ले लेगा, और लास्ट में इनको भीड़ से अपने सपोर्टर्स में कन्वर्ट करेगा। आइए देखते हैं वो ये सब कैसे एग्जीक्यूट करता है। You must say nothing. Say nothing about the present situation in this city. Say nothing about hunger. Say nothing about jobs. Say nothing about pay. But those in greener pastures, they may speak. They may raise their voices. But here in this smoke, you men and women, Irish and Italian and English, who support the socialist cause, and the socialist cats and dogs and canaries, you must push. टोमी की आवाज में देखो कितनी एनर्जी है। उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। वो जानता है कि कहाँ धीरे बोलना है और कहाँ चिल्लाकर, कहाँ पर स्ट्रेस देना है और कहाँ पर अपने हैंड जेस्चर्स का यूज करना है। उसने कितनी चालाकी से अपने पहले स्टेप को एग्जीक्यूट किया और इन सबको इमेजिन करवा दिया कि ये लोग बहुत बुरी हालत में है, और कंप्लेन करना तो दूर, ये लोग अपना मुंह तक नहीं खोल सकते। But it is you, my friends, who must suffer the cuts in wages, and in welfare, and in dignity. And you must not complain, because that would be unpatriotic. You soldiers who have fought in France, you are traitors if you speak up. You veterans of their wars, and their booms, and their busts, it is you who must take the blows and carry the burdens for the sake of those in greener pastures who bellow at you, Silence! Well, watch this, comrades. I will not be silent. Never. Not this Englishman.
टोमी ने इसके बाद फोर्स और वॉर की बात को छेड़कर अपने आप को भी इनके अंदर शामिल कर लिया। पॉलिटिशियंस बहुत शातिर होते हैं और अक्सर जहां भी रैली करने के लिए जाते हैं खुद को वहीं का दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है और गुरुग्राम आकर के रुकता था, ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। साथ ही उसने इस साइलेंस वाले पर्चे को फाड़कर इन मजदूरों का ठेका अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, पॉलिटिक्स में ड्राइविंग सीट पर ऐसे ही बैठा जाता है। टोमी ने कहा कि इन दबे कुचले लोगों की आवाज वो पार्लियामेंट में उठाएगा। उसने यहाँ एक इमोशनल कार्ड खेला और इन मजदूरों के बच्चों को फोकस में ले आया। इंसान बहुत इमोशनल होते हैं, बस उन्हें कोई इमोशनल करने वाला चाहिए। आपको भी अपने सर्कल में पता होना चाहिए कि कौन बंदा कैसी बात करने पर इमोशनल होता है। किसी को इन्फ्लुएंस करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। टोमी ने स्मार्टली इनके दिमाग में ये बैठा दिया कि वो ही इनके बच्चों को उनका हक दिलवा सकता है और ऐसा करके वो इन सबका मसीहा बन गया। Push you working men and women. Silence. Good. Save your voices. You're going to need them. On Saturday when we rally together. Yes! At the Bullring Market. Yes! And together we'll raise the roof. Break the damn silence. Yes! And bring down this broken government. टोमी ने इन सभी लोगों को अपनी स्पीच में पार्टिसिपेट करवाया। अच्छे स्पीकर बीच बीच में ऑडियंस से सवाल पूछकर या उनसे छोटे मोटे अप्रूवल मांगकर उनको भी अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे स्पीकर और ऑडियंस के बीच एक काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है। टोमी बोलने के मामले में एकदम प्रो है। उसने इन सबको अपनी आवाज में पहले एक बुरा सपना दिखाया और फिर अपनी छत्र छाया में फ्यूचर का एक अच्छा सपना दिखाया। वो बीच बीच में जानबूझकर ऐसी बातें कर देता है जो उसकी खुद की बातों को काटती हो और फिर एकदम से पॉइंट पर आ जाता है। दोस्तों, ऑडियंस को साधना एक पतंग को साधने की तरह होता है। कभी ढील देनी पड़ती है तो कभी खींचना पड़ता है। आपको भी यही सीखना है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, अपनी ऑडियंस को पहचानो। अपने बोलने की स्क्रिप्ट को ऐसे तैयार करो कि आपकी बात सीधे ऑडियंस के दिल पर जाकर लगे। मरी आवाज में बोलने की जगह पूरी एनर्जी से बोलकर अपनी एनर्जी सामने ट्रांसफर करो। ऐसा करके लोग यार लड़कों से बम फुटवा देते हैं, तुम कम से कम एक पटाखा तो फटाओ। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारा स्टेटस चाहे कुछ भी हो लेकिन अपने आप को अपनी ऑडियंस से ऊंचा मत दिखाओ। कोशिश करो खुद को उनमें से एक दिखाने की ताकि सभी लोग तुम्हारी बातों के फ्रेमवर्क में खुद को रखकर तुमसे रिलेट कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।